हेलो जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम राजकुमार सोलंकी है। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके सामने एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। तो आइए हम देखते हैं इस परिस्थिति को, देखते हैं जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, मुसीबतें चल रहे हैं, आज के जमाने में महामारी चल रही है कोरोना के रूप में, और आज हम घर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, बाजार नहीं जा सकते हैं, कुछ ले नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति चल रही है। तो परमेश्वर हमारे ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे नजदीक में है। तो आइए क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। तो आइए उसी वचन को आज हम पढ़ेंगे, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 43 अध्याय 1 पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ वचनों को आगे पढ़ेंगे। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन और पढ़ते हैं तो कहता है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करें या ना करें, एक बार फिर से परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि मैं ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर हूं जो तुझे हर परिस्थिति से मैं निकाल सकता हूं, ऐसी परिस्थिति जिसे तू नियंत्रण नहीं कर सकता, तेरे नियंत्रण से बाहर है, ऐसी परिस्थिति को मैं तुझे निकाल सकता हूं, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं? अनमोल हैं, अनमोल। हम चाहे किसी के नजरों में निकम्मा क्यों ना हो, हम दूसरे के नजरों में आवारा क्यों ना हो, हम दूसरे के नजरों में बेकार से बेकार क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा कहता है, यशायाह 49:16 में कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली के ऊपर खोद कर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए हमसे कहता है तू मत डर, तू ऐसी परिस्थिति से मत डर, उस तकलीफ से मत डर, उस मुसीबत से मत डर, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू तेरा चित्र मेरी हथेली के ऊपर खोद कर रखा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुला लिया है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है, हम उससे प्रेम करें या ना करें, वचन कहता है उसने हमसे प्रेम किया, हमने उसे प्रेम नहीं किया, उसने मुझे और आपको चुन लिया, मैंने उसे नहीं चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहता है मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ये ना समझें कि हम अकेले हैं, ऐसी परिस्थिति को कैसे पार कर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे बुला लिया है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर कहता है तू मत डर। वचन बाइबल में 366 बार लिखा, प्रतिदिन के लिए लिखा है मत डर, मत डर। और यशायाह 41 में ऐसा वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। इधर उधर मत ताक। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए कहता है यदि तू जल में होकर जाए तो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नदी में होकर जाएगा ना तब भी तुझे जल नहीं डुबा सकेगा। जब हम देखते हैं मिस्र देश में, जब मूसा ने उस इसराइल लोगों को जब परमेश्वर बाहर निकाल के ले गए समुद्र सामने, महासागर सामने, और फिरौन की सेना पीछे की ओर से, वो घबरा गए, इसराइल घबरा गए, हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। मूसा ने लाठी बढ़ाई और उस समुद्र को दो भाग कर दिया, वो जल उनको डुबा नहीं सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वहां था, परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर की दृष्टि में वो अनमोल लोग थे, परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रतिष्ठित लोग थे। हालेलुया। आज मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं, अनमोल हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हम कहते हैं कि माँ का दूध अनमोल होता है, उसका कोई मूल्य नहीं कर सकता, कोई खरीद नहीं सकता,
परमेश्वर ऐसे कैसे हमें कहता है, मैंने तुझे खरीद लिया है, तुझे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे हाथों से तुझे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए यहोशू को कहता है, तू मत डर, तू हियाबान, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। जिस प्रकार मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे भी मैं तेरे संग रहूंगा। इतना है कि तू हिया और दृढ़ हो जा। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आज हमें उन परिस्थितियों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। हमें दाऊद के समान कहना है कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे संग संग रहता है, वो मेरे साथ साथ रहता है, इसलिए मैं उसकी दृष्टि में अनमोल हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, चाहे हम दूसरे के नजरों में निकम्मा क्यों ना हो, हम दूसरे के नजरों में बेकार से बेकार, छोटे से छोटे क्यों ना हो, लेकिन आपको और मुझे पता होना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप अनमोल हैं और प्रतिष्ठित हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम आदर के पात्र हैं, हम आदर के योग हैं परमेश्वर की नजरों में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए तो उसने जगत से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन परिस्थिति जो पहाड़ के समान है, उन परिस्थिति को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता चाहे पहाड़ी टल जाए, चाहे उलट पुलट हो जाए, लेकिन मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी नजरों में अनमोल हैं। इसलिए दर्शक मेशक सब अबेदनगो जो थे, वो राजा को कह सके, हे राजा, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है। और जब आग की भट्टी में डाल दिया गए, तो वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के पुत्र के समान वहां पर एक इंसान उतर आया और वो चारों तरफ घूमने लगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनको पता था कि चाहे हम दूसरे के नजरों में निकम्मा क्यों ना हो, चाहे हम छोटे से छोटे क्यों ना हो, लेकिन उन तीनों को पता था कि परमेश्वर हमारा महान है, छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है, इसलिए वो खुशी खुशी वहां उस आग में चले गए। और वचन क्या कहता है, तुझे आग भी जला नहीं सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। उस सिंह के मांद भी वो खा नहीं सकेगा, क्योंकि दानियल को पता था कि मेरा परमेश्वर महान है, मैं उसकी नजरों में प्रतिष्ठित और अनमोल हूं। हालेलुया। उसने मुझसे कहा, तू इधर उधर मत ताकना, तू मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। इसलिए दानियल भी खुशी खुशी उस सिंह के मांद में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके उसके साथ हमेशा रहता था, इसलिए उसको याद था। तो हमें भी आज दाऊद के समान कहना है, किसी को रथों के ऊपर भरोसा, किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा, लेकिन हम तो सिर्फ यहोवा ही का नाम लेंगे और कहें उससे, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर की दृष्टि में मैं अनमोल हूं, मेरे परमेश्वर की दृष्टि में मैं प्रतिष्ठित हूं, मेरे परमेश्वर की दृष्टि में मैं बहुत अनमोल हूं, जिसका कोई मूल्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे ना धोखा दूंगा ना कभी त्यागूंगा। एक जन्माने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चेहरा अपने हथेली के ऊपर खोद कर रखा है। वो हमेशा हमें देखता रहता है, और आज हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें उस कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारे ऊपर आ जाए, लेकिन हमें भरोसा और विश्वास करना कि मैं उस कोरोना से निकल सकता हूँ, मैं उस परिस्थिति से निकल सकता हूँ, मैं उस अकाल से निकल सकता हूँ, क्योंकि यहोवा मेरे संग संग चलता है और मैं यहोवा की दृष्टि में। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। हालेलुया। मुझे भी परमेश्वर ने आशीष दिया और मुझे भी परमेश्वर ने हिम्मत दिलाया और कहा, राजकुमार तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरा है, मैं तेरे संग संग रहता हूँ। हालेलुया। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में मैं अनमोल हूँ और आप भी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन पर आशीष और बरकत दे। तो आइए हम क्यों ना परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर को इज्जत दे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, और जितने भी मुझे सुन रहे हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर तू मेरे मुंह से बोल और बातचीत कर। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जबान हो सकता है, लेकिन तेरा बोल, तेरा वचन परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ उतरने पाए और उन्हें आशीष देना। परमेश्वर पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया।
ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।